नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे देश में सख्ती बढ़ती जा रही है। सभी राज्यों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, साथ ही इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए भी कहा जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती की तैयारी की जा रही है। यहाँ 5 जनवरी को BR अम्बेडकर पर होने वाला एक बड़ा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। खुशबू के कारोबार की काली कमाई का जखीरा बरामद करने के लिए विजिलेंस की टीम ने कानपुर से लेकर कन्नौज तक सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। कानपुर में तो 2 दिनों की पड़ताल में करोड़ों की रकम बरामद हुई है। कन्नौज में भी इसी तरह का खजाना होने की गुंजाइश के तहत पिछले 36 घंटे से तलाशी अभियान जारी है। लिमिटेड ओवर के भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के साथ आज से शुरू होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ जाने के कारण रोहित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। भारतीय वनडे और T20 कप्तान की चोट को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है। रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा से पहले अपना पहला फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सलमान खान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस पर देर रात सांप ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रविवार की सुबह 9 बजे वो अपने फार्म हाउस पर लौट आए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक है और वो खतरे से बाहर है। उत्तराखंड में चंपावत जिले के सुखी ठांग इंटर कॉलेज में भोजन पकाने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले SC वर्ग की भोजन माता के हाथों बना खाना स्वर्ण बच्चों ने बंद कर दिया था। अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। अब स्वर्ण भोजन माता के बनाए भोजन का SC वर्ग के छात्र छात्राओं ने बहिष्कार शुरू कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पाबंदियों का ऐलान किया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, तो सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार के खर्च को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने को लेकर यह कहते हुए पलटवार किया कि यह कुछ वैसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने सरकारी विज्ञापन पर होने वाले खर्च के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में योगी जी और मोदी जी के 850 होर्डिंग है, जबकि दिल्ली सरकार के 108 होर्डिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार देर रात ऐलान किया है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित और हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन की जिस प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी, अब खबर यह है कि अब प्रिकॉशनरी डोज उस वैक्सीन से अलग हो सकती है जिसकी डोज दोनों डोज लाभार्थी पहले ही ले चुके हैं। दरअसल देश में कोविड टीकाकरण पर बने शीर्ष टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में इस बात को लेकर सहमति है कि प्रिकॉशनरी डोज उस वैक्सीन से अलग होनी चाहिए जिसकी दोनों डोज पहले ली जा चुकी है। कर्नाटक में स्नातक स्तर पर हिंदी की जगह कन्नड़ भाषा को अनिवार्य किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत कोई राज्य अपनी भाषा को अनिवार्य कर सकता है। केंद्र सरकार इस मामले का अध्ययन कर रही है और जल्द ही अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी। PM मोदी आज मन की बात की 84वीं कड़ी में देशवासियों से रूबरू हुए। ये इस साल मन की बात की आखिरी कड़ी है। मन की बात में उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया। उनका निधन इसी महीने कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हुआ था, और जिसके बाद उन्होंने COVID-19 के मामलों को लेकर के भी चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने वरुण सिंह के उस पत्र का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरी और नाकामी का जिक्र करते हुए आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने और हार न मानने का जिक्र किया था। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भयावह रूप लेता जा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के केस 400 पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 422 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 और 79 मामले हैं। ओमिक्रॉन के 422 मरीजों में से 130 मरीज रिकवर हो गए हैं। इसके मद्देनजर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से लेकर नए साल तक सरकार ने कड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। देश में फिर से सिर उठा रही कोरोना महामारी और सामने आने वाले इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दी अपने संबोधन में की है। उन्होंने इस दौरान देशवासियों से ओमिक्रॉन के नए खतरे से निपटने के लिए लापरवाह नहीं होने की भी अपील की। देश को दिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि इस महामारी से केवल और केवल सावधान रहते हुए ही लड़ा और जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज और कौशाम्बी के लोगों को अरबों की योजनाओं का सौगात देंगे। इसमें CM योगी प्रयागराज के लकुरगंज में माफिया आतिक अहमद से खाली कराई गई नजूल जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे, जिसके बाद अरबों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। वो सभा को भी संबोधित करेंगे।
अगर आप भी नए साल पर किसी धार्मिक जगह की सैर करने का मन बना रहे हैं तो माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जा सकते हैं। वैष्णो देवी एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ जाने का मन हर एक श्रद्धालु का होता है। IRCTC नए साल पर वैष्णो देवी तीर्थ स्थान के दर्शन करने का मन बना रहे लोगों के लिए काफी शानदार टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। IRCTC ने अपने इस टूर पैकेज को माता रानी राजधानी पैकेज नाम दिया है। इस पैकेज की खास बात यह है कि इस पैकेज के तहत यात्रा की शुपवार वीकेंड पर ही होती है। राजनीति सबसे बड़ा शैतान है, ये सभी शैतानों का बाबे आदम है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने क्रिश्चियन कॉलोनी में संबोधन के दौरान कही। वो यहां क्रिसमस पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से हिस्सा लेने पहुंचे थे। आजाद ने लोगों को मानवता और सच्चाई के रास्ते पर चलने की अपील की है। इससे पहले बिशप डॉक्टर संतोष थॉमस ने सभी को क्रिसमस का संदेश दिया और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बाकी नगर निकायों के चुनाव अदालत की छत्रछाया में चाहते हैं। कांग्रेस कोलकाता नगर निगम के चुनाव में व्यापक तौर पर हिंसा और धांधली का आरोप लगा चुकी है। अधीर ने कहा है कि हम भाजपा की तरह केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए अदालत की छत्रछाया में बाकी नगर निकायों के चुनाव हो। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने एक विश्व रिकॉर्ड रविवार को अपने नाम किया जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG में एसएज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में खेलने उतरे। एसएज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में अर्धशतक जड़ने से पहले जो रूट ने एक इतिहास रच दिया है। रूट टेस्ट क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। राजस्थान BDO भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी BDO के 3,896 पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कल यानी कि 27 दिसंबर से 28 दिसंबर 2021 तक किया जाना है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र की महत्वाकांक्षी घोषणा को पूरा करते हुए योगी सरकार प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट दे रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर लखनऊ में इसकी शुरुआत करते हुए 60,000 युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट दिए गए। कविता की पंक्ति नए युग का सृजन युवक तुम्हारे हाथ में है के माध्यम से युवाओं का प्रोत्साहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के महिमा गान के साथ युवाओं को उनकी क्षमता शक्ति का स्मरण कराया। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की घोषणा करने में शिरोमणि अकाली दल अन्य पार्टियों से काफी आगे चल रही है। पार्टी प्रदेश भर में अब तक 92 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इसके बावजूद लंबी विधानसभा हलके से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। लंबी सीट को लेकर शियद ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि यह तो तय है कि इस हलके से बादल परिवार में से कोई प्रत्याशी होगा। महाराष्ट्र के नासिक में रविवार सुबह करीब 5:35 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र नासिक में 88 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बताया जा रहा है। अभी तक भूकंप में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान 3 कृषि कानून को लेकर एक बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद मचे बवाल को देखते हुए उन्होंने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। बता दें कि कृषि कानून को उन्होंने आजादी के बाद लाया गया एक बड़ा सुधार बताया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आशंका जताई थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कृषि कानून की वापसी हो सकती है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचंड सर्दी बढ़ गई है। जहां कश्मीर में बर्फबारी हुई है तो वहीं झारखंड बिहार राजस्थान दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके प्रभाव से 26 से 28 दिसंबर के बीच राजस्थान के बीकानेर जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। रविवार सुबह राहुल गांधी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक कोरोना वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक पुराना ट्वीट भी अपना शेयर किया। कृषि कानून के खिलाफ देश में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बार फिर से कहा है कि उनका इरादा विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल को अपने बैनर और मंच का इस्तेमाल नहीं करने देगा। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 6,987 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं 162 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 422 हो गई है। आज रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया है कि कोरोना से कुल लोगों की जान अब तक 4,79,682 पर पहुंच गई है।
कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के बूस्टर डोज वाले फैसले पर निशाना साधा और उनकी तुलना तुगलक से कर डाली है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को नजरअंदाज कर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को कहा कि बातें बनाने और टेलीविजन पर आने से आपराधिक लापरवाही के जख्म नहीं भरेंगे। सुरजेवाला ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट से ठीक पहले देशवासियों की जान एक बार फिर से जोखिम में डाली जा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश वाली कम से कम 439 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल 4.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजना की निगरानी करता है। ऐसी 1679 परियोजनाओं में से 439 परियोजनाओं ने लागत में वृद्धि की सूचना दी और 541 परियोजनाओं में देरी हुई। अभिनेत्री से राजनेत्री बनी स्मृति ईरानी की बेटी शनैल ईरानी ने सगाई कर ली है। इसकी जानकारी 25 दिसंबर की शाम को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्मृति ईरानी ने खुद दी है। स्मृति ईरानी की बेटी शनैल ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अर्जुन भल्ला से सगाई की है, जिसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और साथ ही एक बहुत ही मजेदार पोस्ट भी लिखा। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी शनैल की सगाई की तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, यह उस आदमी के लिए जिसके पास अब हमारा दिल है। अर्जुन भल्ला, हमारे पागल परिवार में आपका स्वागत है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अविनाश, BIPSPK, नरेश कुमार, कुंदन साजवान, जीता अमर, AK आशीष, टुन्नू कुमार, मोहम्मद मिराज आलम, राजीव कुमार, रोहित राणा, मोहम्मद शफीक, जितेंद्र ठाकुर, सनी कुमार, कमलेश शेखर, सरोज, रणधीर कुमार, अनवर हुसैन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज लगाने का फैसला लोगों को कोरोना से बचाने में मददगार होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।